Hello everyone, good evening, welcome to your favorite platform e-learning study data. This is Mahesh Yadav here, and once again we are back with another new session. As you all know that one word substitution is going on here. Before I set the class in motion, let me know, am I audible and visible, audio video clear? Kya aap mujhe dekh aur sun pa rahe hain properly? Ek bar comment section ke madhyam se mujhe bata dijiyega, am I audible, audio video clear? Let me know. Jaisa aap log dekh pate hain, daily sham ko main aap logo ke gyan mein abhivriddhi karne ke liye theek 8 baje pahunch jata hun. ठीक है, कैसा लग रहा है बताइए? थोड़ा तबीयत जरूर नाशाज है. अब जैसे देख पा रहे हैं थोड़ा नोज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वेट एट 8 PM, 8 PM होते ही आप याद कर लेते हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने हाजिर हूं. एक बार यस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे मैसेज करिए कि कंफर्म करवाइए एम आई ऑडिबल. बताइए एम आई ऑडिबल, ऑडियो वीडियो क्लियर? सुनील सैनी पहुंच चुके हैं भाई. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुनील, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग. तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, थोड़ा सा पेन हो रहा है बोलने में भी, नोज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण तभी आज मैं एप्लीकेशन में भी क्लास नहीं दे पाया था. चलिए शुरू करते हैं मित्रों. आपने देखा होगा कल कि हमने 280 तक का हमने कल निपटारा कर दिया था. ठीक है, 280 तक हमने कल निपटा दिए थे. कल क्या था, ए प्लेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनवैलिड, जो बीमार लोग होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, जो भी कोई ऐसी बीमारी जो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती है उसको, उस जगह को किस नाम से जाना जाता है जहां पर ट्रीटमेंट किया जाता है उस बीमारी का, उसको हम सेनेटोरियम बोला. क्या बोलते हैं? सेनेटोरियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेनेटोरियम. और कल आपने सेनेटरी वर्ड भी आपने देख लिया होगा. ठीक है, आगे देखिएगा सोलर, तो आपने देखा ये रिलेटेड टू द सन, जो सन से रिलेटिंग होता है, रिलेटिंग टू द सन, उसको किस नाम से जाना जाएगा? सोलर बोला जाता है. एक ऐसा आदमी जो किसी भी बिजनेस या मैनेजमेंट में एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं, आप जानते ही हैं. ठीक है, वन हु स्पीक्स फॉर अनदर, जो दूसरों के लिए बोलता रहता है वो स्पोक्स मैन होता है. आपको बताया इसको प्रवक्ता बोला जाता है. क्या बोला जाता है? प्रवक्ता बोला जाता है. ठीक है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेनफुल सिचुएशन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं. आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, लगातार बढ़िया तरीके से लगे रहना है, देखते रहना है. ठीक है, क्योंकि दर्द भी होगा, फीवर भी होगा, किसी दिन पढ़ाने का मन भी नहीं करेगा, किसी दिन पढ़ने का मन भी नहीं करेगा. बस इन्हीं चीजों को मैनेज कर लिया तो यू विल डेफिनेटली रीच टू योर डेस्टिनेशन. आप पक्का आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे. क्योंकि इप्स एंड बर्ड्स को जो किल कर देता है, किंतु परंतु मन नहीं है आज, ये नहीं है, इनको जो मार देता है फिर उसके लिए ठीक है, सब कुछ बढ़िया. आगे चलिएगा, क्या है, आपने एक और वर्ड देखा है, वन हु कैन यूज सॉर्ड, जो सॉर्ड चलाता है उसको सॉर्ड्समैन बोलते हैं. और आगे देखिएगा, ए बैटल विच इज अटेंडेड विद मच ब्लड शेड, उसको शेंग्विनरी बोला जाता है. कल मैंने शेंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक नाम का दो वर्ड दिया था. चंचल वेरी गुड इवनिंग भाई. ठीक है, ऐसा देखिएगा. और आगे देखिएगा इसके अलावा क्या है, A case which causes sensation, उसको किस नाम से जाना जाता है? Sensational बोला जाता है. To die without making a will, जो बिना will के मर जाता है उसको क्या बोला जाता है? To die intestate बोला जाता है. कल मैंने state बताया था, state के साथ साथ मैंने एक और word बताया था आपको, estate word आप लोगों के सामने रखा था और intestate बताया था. तीनों word बता दिए थे, ढंग से आप लोगों को समझाया था. ठीक है, कल आपको translucent क्या होता है ये बता दिया. Translucent का मतलब होता है an object allowing light to pass through, जिसमें light तो आर पार जा सकती है लेकिन देखा नहीं जा सकता. और transparent क्या होता है, that can be seen through, जिसके आर पार देखा जा सकता है, और that cannot be seen through, उसको बोला जाता है क्या, opaque बोला जाता है. translucent का एक शानदार, जो transparent का एक बहुत अच्छा synonym बताया था, limpid. क्या बताया था? limpid बताया था. ठीक है, थोड़े थोड़े words daily देखेंगे तो it will be definitely बल्ले बल्ले बल्ले. आगे देखिएगा, अब देखिएगा बढ़िया वर्ड आ रहे हैं. बोलो जरा वर्ड कौन सा आया है. सबसे पहला वर्ड आपके सामने, अभी टी पर पहुंच गए हैं, लगभग खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं आगे, टी पर, टी के बाद में. ठीक है, आपको बताइए टी के बाद में अब बहुत ज्यादा लेटर्स नहीं बचे हैं, क्योंकि 20th लेटर होता है टी.
इसके बाद 6 लेटर और बचे, तो लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। ए पर्सन हु सेल्स टोबैको, जो टोबैको को सेल करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? टोबैकोनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोबैकोनिस्ट बोला जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है, टोबैको से वर्ड क्या बना है? टोबैकोनिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोबैकोनिस्ट। ये देखिएगा, TOBACCO, टोबैको का मतलब आप देखिए नाउन होता है और तंबाकू होता है, ठीक है। यहीं से ही वर्ड क्या बना है बताओ? टोबैकोनिस्ट बना है, टोबैकोनिस्ट बना है, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो तंबाकू को बेचता है उसको टोबैकोनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही देखिएगा, एक और वर्ड आ गया वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है? शराब होता है। क्या बोला जाता है बताओ? शराब, ठीक है। और शराब पीने वाले को किस नाम से जानेंगे बताओ? वाइन बीबर के नाम से बोल दिया जाएगा, वाइन बीबर बोल दो। ड्रंकर्ड एक और वर्ड आ गया है, ड्रंकर्ड आ गया है। एल्कोहलिक आ गया है, एल्कोहलिक आ गया है। इन तमाम शब्दों का मतलब क्या होता है? शराबी। बताओ सरकार क्या है? फटाफट बोलिए जरा, क्या होता है? शराबी होता है, ठीक है। तो वाइन से वाइन बीबर बन गया, ड्रंकर्ड बन गया, एल्कोहलिक बन गया। एक ऐसा भी आदमी होता है दोस्तों जो शराब को छूता तक नहीं है, तो आप उसको टी टॉटलर बोलिए, टी टॉटलर। ये इतना गजब वर्ड है और इसको मैं बच्चों को बहुत अच्छे से याद करवाता हूं। टी टॉटलर का मतलब होता है मद्यपान निषेध, जिसके लिए मद्यपान निषेध होता है, धूम्रपान नहीं करता है, दारू नहीं पीता है, मद्यपान निषेध, मदिरा नहीं पी रहा है, पान मसाला नहीं खा रहा, वो टी टोटलर होता है। मैं बच्चों को कैसे याद करवाता हूं, ठीक है, जरा देखिएगा। मैं कहता हूं बच्चों, आपने किसी को कहा भाई साहब दारू पीते हो? नहीं 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 मैं दारू नहीं। तंबाकू खाओगे? नहीं 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 मैं तंबाकू भी, ठीक है। स्मोकिंग करोगे? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या है? टोटल चाय लेंगे, चाय पानी पीने वाले आदमी हम तो, टी टोटलर, टोटल चाय, टी टोटलर याद रखो, टी टोटल, ठीक है। टोटल क्या पीनी है आपको? चाय। सर टी की स्पेलिंग तो टी ई होता, आप टी डबल ई मान लो, टी टोटलर का याद रखिएगा, टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब हो गया मद्यपान निषेध। बोलो जरा क्या होता है, फटाफट बोलिएगा, मद्यपान निषेध, ठीक है। आगे देखिएगा, और कोई वर्ड ऐसा वर्ड जो आपको काम आएगा। यहां पर देखो लगभग चीजें देखी, एक और वर्ड होता है, ये देखिएगा, स्मोकिंग आ गया है। ये क्या होता है? स्मोकिंग धूम्रपान होता है। क्या बोला जाएगा? धूम्रपान हो जाएगा, धूम्रपान। तो धूम्रपान करने वाले को क्या बोला जाएगा? स्मोकर बोला जाएगा, ठीक है। और एक और होता है, चेन स्मोकर किसे कहते हैं? जो हद से ज्यादा स्मोकिंग करता है वो चेन स्मोकर होता है। तंबाकू टोबैको, टोबैकोनिस्ट बेचने वाला, ठीक है। वाइन शराब, वाइन बीबर, ड्रंकर्ड, एल्कोहलिक, कुछ भी, एल्कोहल भी बोल दो। एल्कोहल भी क्या होता है? शराब ही होता है। लोग शराब के लिए एल्कोहल बोल दो, वाइन बोल दो, इस प्रकार से आई गया। आपको एक बात बताया था मैंने, आपको थोड़ा बहुत भी पता हो तो, ठीक है। एक वर्ड क्या था? ब्रूवरी वर्ड था, और एक और वर्ड था डिस्टलरी। बताओ दोनों में डिफरेंस क्या था? ब्रूवरी का मतलब क्या था? ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर, जहां पर बियर इज मेड, जहां पर बियर बनाई जाती है। बियर वाली सी फीलिंग आ रही है ब्रूवरी में। एक आ गया डिस्टलरी, एक ऐसा प्लेस, ए प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहां पर दोस्तों शराब बनाई जाती है, उसको डिस्टलरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्टलरी। जब अपन किसी चीज के पीछे लग जाते हैं तो फिर आप जानते हो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं किसी को, ठीक है। बताइए, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए भाई, क्लियर हुआ क्या यहां तक?
चलो यहां तक आपने क्लियर कर लिया है, अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां तक आप बता रहे हैं कि सर ठीक है, विक्रम रावत उर्मिला भी नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते भाई ठीक है, हाँ यस सर क्लियर बोल रहे हैं। चलो अब आगे की तरफ मूव करते हैं, मूव फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया। आप शेयर कर दो एक बार दबा के ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स तक। चंदन भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग, शेयर करिए ना ठीक है, अपने स्टेटस और फेसबुक पर फटाक से एक बार पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद एक बार आइए आप ठीक है, फटाफट से शेयर करिएगा इसको, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो उसके बाद देखिएगा आपका सीनरी मेंटेनिंग भी शुरू कर दिया जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहां पर लेकर आइए, वोकैब मेरे पर छोड़ दीजिएगा, ग्रामर आपको नाइट में मैं आपके लिए लेकर आता ही हूँ, ग्रामर वाले पर भी कोई दिक्कत नहीं, शायद आज नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बता रहा था कि मैं थोड़ा बीमार हो रहा हूँ, नोट्स पर कोई एक छोटा सा कोई फुंसी टाइप हो गया, उसे भयंकर वाला पेन हो रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि क्लास मिस नहीं होना चाहिए मेरे बिलवड स्टूडेंट्स की ठीक है। तो आपने वाइन से रिलेटेड तमाम प्रकार की बातें जान ली है, यहाँ पर एक वर्ड से पता नहीं कितने सारे वर्ड हमने उठा लिए ठीक है, तो अच्छे से अच्छे वर्ड्स आपने देखे। आइए दोस्तों क्या है, ए पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल काइंड्स, बेटा बहुत बड़ी गजब का वर्ड है एब्सटेन फ्रॉम, बताओ जरा वर्ड कौन सा है एब्सटेन फ्रॉम, याद रख लेना प्रेपोजिशन में तो सीधा सीधा वर्ड आता है एब्सटेन फ्रॉम, परहेज करना एब्सटेन फ्रॉम, और बताओ क्या है रेफ्रेन फ्रॉम, परहेज करना, और बताओ क्या है रेस्ट्रेन फ्रॉम, ये देखो जरा एन एन वाले वर्ड है ये ठीक है फ्रॉम, और किसी को किसी चीज से वंचित करना हो तब भी आप क्या बोलेंगे डिबार फ्रॉम, बोल जाओ जरा क्या है डिबार फ्रॉम, और किसी को पाप मुक्त करना तो एग्जोनिरेट फ्रॉम, बोलो ना जरा क्या है एग्जोनिरेट फ्रॉम, बोलते जाओ जरा वर्ड क्या है एग्जोनिरेट फ्रॉम, फिर से बोलो जरा वर्ड क्या आया है एग्जोनिरेट फ्रॉम, और ये रहा ए बी एस ओ एल वी ई एब्सॉल्व ऑफ या एब्सॉल्व फ्रॉम, ये देखो अब मेरा केस हो गया सॉल्व, अब मेरा केस हो गया सोल, तो मैं हो गया एब्सॉल्व, किससे किसी चीज से पाप मुक्त हो जाना, इस प्रकार का वर्ड आ गया। ये चार पांच शब्द है बेटा, इनको जरूर याद रखना सभी के सभी, फिर कह रहा हूं देखो एन एन एन, ये देखो गजब के वर्ड, ये वाला भी लगभग इन्हीं से मिलता जुलता, ये थोड़े अलग वर्ड आ गए, इन दोनों का लगभग सेम मतलब है ठीक है। बोलो एक बार मेरे साथ फटाफट से, बोलो जरा कौन सा वर्ड आया एब्सटेन फ्रॉम, बोलो ना क्या है एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, एग्जोनिरेट फ्रॉम, एब्सॉल्व फ्रॉम ठीक है, या एब्सॉल्व के साथ ओ एफ ओ भी लगता है। सर मैंने वीडियो सेंड कर दिया है जस्ट, थैंक यू चंदन, इस प्रकार के स्टूडेंट्स यदि रहेंगे तो डेफिनेटली अपन बहुत आगे जाएंगे ठीक है, आपका इतना तो ड्यूटी बनता ही है ना, बिना कहे भी प्लीज आप लोग किया करो ये काम ठीक है, बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताओ। चंदन ने कहा कि सर मैंने वीडियो अभी सेंड किया, बाकी के स्टूडेंट्स भी एटलीस्ट आपके फेसबुक आदि पर तो लगा दिया करो, व्हाट्सएप पर लगा दिया करो यार, फालतू के फोटोज आदि लगाते हो, कम से कम ऐसा वीडियो लगाने से किसी का तो भला होगा ही कम से कम, फालतू की चीजें तो आप, एक अच्छा स्टूडेंट होता भी वही है जो एजुकेशन को मैक्सिमम लोगों तक क्या करे स्प्रेड करे ठीक है, इस ओर अपना भी एक कदम बढ़ाइए ठीक है ना। हाँ बच्चे, हालांकि कुछ बच्चे अभी बिजी हैं, धीरे धीरे बच्चे निकल कर आएंगे, एक तो अपने को आईपीएल ले डूबा बच्चों को, क्योंकि आज का जो यूथ है ना ज्यादा सिंसियर और सीरियस नहीं है अपने स्टडीज को लेकर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना, अपन उनके लिए तो है ना जो जो लोग बिल्कुल जो कंटिन्यूटी के साथ यहाँ रहे ठीक है। तो डिबार फ्रॉम, एग्जोनिरेट फ्रॉम, एब्सॉल्व और फ्रॉम, इस प्रकार की चीजें आपने देखी है, गजब के वर्ड्स हैं ठीक है। दो चार वर्ड्स मैं आपको गूगल से भी दिखवा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ सर मजा आ रहा है, सेम के सेम वर्ड ही देखने को मिल रहा है। आ जाओ पहला ही वर्ड देख लेते हैं, आराम से समझते हैं, एब्सटेन आ गया है, ये देखो एब्सटेन का मतलब क्या है, ये आ गया परहेज करना, द डॉक्टर सेड आई शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, डॉक्टर ने कहा कि मुझे किससे परहेज करनी चाहिए बताओ, स्मोकिंग से परहेज करना चाहिए, बताओ जरा जो मैंने बताया वो का वही आ गया, इन अ वोट टू स्टे दैट यू आर नॉट वोटिंग इधर फॉर इधर फॉर अगेंस्ट समथिंग, मतदान में भाग न लेना तटस्थ रहना, द पीपल वोटेड इन फेवर टू वोटेड अगेंस्ट एंड वन एब्सटेन्ड, आगे ना तटस्थ रहना, ये आजकल वोट का टाइम चल ही रहा है, तो टू पीपल वोटेड इन फेवर, दो लोगों ने तो फेवर में वोट किया, टू वोटेड अगेंस्ट, दो ने अगेंस्ट में किया, एंड वन वन एब्सटेन्ड, और एक क्या रहा तटस्थ रहा। तो पहला तो ये देखिएगा अपने को संयम में रखना या परहेज करना, एब्सटेन करना, अब्सटेन करना, अब्सटेन करना, अब्सटेन ठीक है। अब एक और वर्ड देख लो, रिफ्रेन करना, एक जैसा सा मीनिंग निकल कर आएगा देखना, वो ही आ गया, कुछ करने से अपने आप को रोकना, कोई खास काम नहीं करना, परहेज करना, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग इन दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अपने आप को स्मोकिंग से रोकें, स्कूल आदि में रोकें, ये देखिएगा गजब का वर्ड आ गया रिफ्रेन करना, और बताओ फ्रॉम आ गया यहां पर भी, और बताओ
आपको ये बताना है मुझे कि इनके साथ सबके साथ क्या लग रहा है, फ्रॉम लग रहा है, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना, ठीक है, व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रण में रखना, व्यक्ति या वस्तु को कुछ करने से रोकना, यहां पर भी रोक रहे हो आप, आई हैड टू रिस्ट्रेन माई सेल्फ, मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा फ्रॉम सेइंग समथिंग रूड, कुछ रूड कहने से अपने आप को रोकना पड़ेगा, तो यहां पर देखो फ्रॉम आ गया ना मजा, इस प्रकार से आप लोगों को देखना। और कोई वर्ड हो भाई, ठीक है सर, आपने एक और वर्ड डी बार भी बोला है, बिल्कुल डी बार, डी बार, डी बार याद करो, बाहर कर दिया, बाहर बोले तो बाहर चले जाओ, आपको नहीं मिलने दिया जाएगा, वही तो डी बार होता है, वंचित करना किसी को, देखो एक्सक्लूड और प्रोहिबिट फ्रॉम डूइंग समथिंग, जैसे फर्स्ट राउंड कैंडिडेट्स वर डिबार्ड फ्रॉम स्टैंडिंग, ठीक है, फर्स्ट राउंड के जो कैंडिडेट्स थे उनको खड़े रहने से क्या कर दिया गया, वंचित रखा गया, डिबार कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, डिबार करना, ठीक है, इस प्रकार से वर्ड देखिएगा, गजब का वर्ड है डिबार, ठीक है। और कौन सा वर्ड था ये देख लीजिए आप, एक और वर्ड आपने देखा, एग्जोनरेट करना, किसी को पाप मुक्त करना, ये देखिएगा एग्जोनरेट, ये सीधे सीधे एग्जोनरेट क्या है, एग्जोनरेट, एग्जोनरेट वापस से देखना क्या, एग्जोनरेट, एग्जोनरेट, ये देखो एग्जोनरेट, ठीक है, देखो जरा क्या है, टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, आप किसी, आप बिल्कुल बरी हैं, पाप मुक्त हो गए हैं, ठीक है, जरा देखते हैं कैसे, सेंटेंस देखिए जरा क्या है, द रिपोर्ट एग्जोनरेटेड द क्रू, रिपोर्ट ने पाप मुक्त कर दिया क्रू को फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉलिजन, जो जो टक्कर हुई थी उसकी, कि हाँ आपको बता दिए कि ठीक है, ठीक है, कि इसके लिए कौन नहीं है, कौन जिम्मेदार नहीं है, आपका क्रू मेंबर जो है वो जिम्मेदार नहीं है, तो एग्जोनरेट, ठीक है, एग्जोनरेट के साथ में आ गया है, बिल्कुल। और देखिएगा एक और वर्ड कौन सा आया है, एब्जॉल्व आ गया है, आपको मजा आ जाएगा जब आप इन वर्ड्स को देखेंगे, एब्जॉल्व करना, ठीक है, ये देखो एब्जॉल्व करना, मैंने क्या बोला था, एब्जॉल्व के साथ, ठीक है, ऑफ और फ्रॉम दोनों आएगा, द ड्राइवर वॉज एब्जॉल्व ऑफ एनी ब्लेम ऑफ द ट्रेन क्रैश, अपराध पाप या उत्तरदायी आदि से क्या करना, मुक्त करना, ठीक है। एक और वर्ड देख लेना, ये देखिएगा जैसा चंदन कह रहा है कि इश्चो भी होता है, या कोई वर्ड इश्चू होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग या एब्सटेन फ्रॉम, देखो ये गजब का वर्ड है ये भी, देखो एब्सटेन फ्रॉम, रेफ्रेन फ्रॉम, गिव अप, फॉरगो, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, देखो यहां पर ये प्रेपोजिशन भी याद कर लो, एक साथ आगे लो सभी को, यहां से अपन क्या करते हैं वहां पर आगे की तरफ लेके चलते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, यहां पर जगह तो है ही ना, यहां एक और ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि सीधे सीधे क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से, लो हमारे सामने पढ़े, इसको लेकर चल लो जो उधर, ताकि एटलीस्ट आपको पता चले कि कितने गजब के वर्ड हैं किसी, ये देखो इस जो भी क्या है, एक प्रकार से सेम इसका मतलब निकलता है, परहेज करना, ये लो जी, और किसी को इंडल्ज करना क्या हो गया है, ये लो इंडल्ज करना, इंडल्ज का मतलब उसको उसमें किसी में क्या करना, किसी को शामिल करना, ये लो ये वर्ड्स आ गए, इतने सारे वर्ड्स आ गए, ले लीजिए, लिखने नहीं पड़े लो, ये है टेक्नोलॉजिकल इरा में बहुत सारे वर्ड्स का बेनिफिट हो गया, याद रखना इन वर्ड्स को। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही है, इश्यू करना, ठीक है, ही अपील्ड, उसने अपील किया टू द क्राउड, क्राउड से टू इश्यू वॉयलेंस, की वॉयलेंस को क्या कर दो, लेकिन इश्यू के साथ फ्रॉम नहीं लगता, ठीक है, कि आप वॉयलेंस से क्या करो, परहेज करो, ठीक है। अब देखो एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगता है, मैं ऐसे याद करता हूँ, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लग रहा है, ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है, ऐसे वर्ड्स आ गए। गिव अप करना फिक्स्ड है, गिव अप कर दो, इस चीज को छोड़ दो, ठीक है, ऐसे वर्ड था। रिनाउंस का मतलब छोड़ना, डिनाई का मतलब छोड़ना, और किसी को देखो शामिल करना किसी चीज में, इंडल्ज करना, इन होता है, ये अपोजिट है इसका, ऐसे याद रखना है। तो जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कौन कौन से वर्ड हैं, वो किस हिसाब से आपको लर्न करने हैं, आपके सामने पड़ा है सारा का सारा मामला, डन सर, होपफुली चीजें क्लियर हुई होंगी आपके लिए। अब्सटेन फ्रॉम है, रिफ्रेन फ्रॉम है, रेस्ट्रेन फ्रॉम है, इश्चू आ गया, ही अपील टू द क्राउड, उसने क्राउड से अपील की कि आप क्या करें, क्या करें बताओ, ठीक है, टू इश्यू वॉयलेंस, की वॉयलेंस को आप छोड़ दें, तो यहां से ये वर्ड दिया। बोलो एक बार मेरे साथ से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख डालो फटाफट पूरे वर्ड्स कौन कौन से हैं, बोलो फटाफट, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिस्ट्रेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, एग्जोनरेट फ्रॉम, एब्सॉल्व ऑफ और फ्रॉम। अब मेरा केस हो गया सॉल्व, तो मैं हो गया एब्सॉल्व, आ जाओ जरा पीछे, ठीक है, तो ये रहा ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स से जो करता है वो बताई दिया था, टोटल चाय पानी पीने वाला। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, सबको पता है जो भगवान में विश्वास रखता है वो थीस्ट है, और वो जो भगवान में नहीं रखता वो क्या होगा बताओ, अथीस्ट होगा,
सारे वर्ड्स बताए हुए हैं, यही लिख देता हूं। लो जो भगवान में विश्वास रखता है क्या बोला जाता है, बोलो फटाफट से बताओ जरा क्या है। थीस्ट। जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोला जाता है, अथीस्ट। क्या बोला जाता है, अथीस्ट। एक और वर्ड आ गया है एग्नोस्टिक, बताओ जरा वर्ड क्या है। एग्नोस्टिक होता है जो भगवान के, ये तो क्या करता है, ये तो भगवान में विश्वास ही नहीं रख, ये तो विश्वास रखता है, तो ये तो क्या हो गया है, आस्तिक हो गया है। ये क्या हो गया है, नास्तिक हो गया है, नास्तिक होता है। और ये क्या होता है, अज्ञेयवादी होता है, अज्ञेयवादी होता है। ये क्या होता है सर, अज्ञेयवादी, ठीक है, जो ये कहता है कि वन, ठीक है, हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में कहता है कि भगवान भी है कि नहीं हमें तो ये नहीं पता, ये तो बिलीव रखता है, ये तो बिलीव रखने वाला है, बिलीवर है, और ये नॉन बिलीवर है। एग्नोस्टिक तो होता है जो कि भगवान है भी कि नहीं है मुझे तो ये नहीं पता, उसको एग्नोस्टिक कहा जाता है। एक और वर्ड आ गया है जिसको आप क्या बोलेंगे, ब्लेसफेमी। कल परसों भी वर्ड बताया था, ग्लतफेमी जिसको बोला था, या फिर वर्ड क्या आ गया है, सैक्रिलीज वर्ड आ गया आपके पास, सैक्रिलीज, ठीक है। पवित्र वस्तु दूषक मैंने बताया था, पवित्र वस्तु दूषक, ठीक है, दूषक बोल दो। या फिर भगवान के बारे में कोई भला बुरा कहता है उसके लिए भी यही टर्म हम अक्सर यूज करते हैं। बताओ सरकार यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, ऑल सेट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लियर है क्या। थियो का मतलब ही गॉड होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, थियो का मतलब ही गॉड होता है। यस, वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, उसको तो बोला जाता है। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता वो अथीस्ट है, और भगवान के अस्तित्व के बारे में बात करता है कि भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड। जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखता है कि भगवान एक ही है, ठीक है, मोनोथीज्म जैसे मुस्लिम सोचते हैं, मोनोथीज्म में विश्वास रखते हैं, अल्लाह में विश्वास रखते हैं, और जो कई भगवानों में विश्वास रखते हैं वो क्या है बताओ, पॉलीथीज्म है। ये देखो थियो का मतलब ही गॉड होता है, मोनो का मतलब एक, ये हो गया एकेश्वरवाद, बोलते जाओ जरा वर्ड क्या है, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। और यहां पर क्या हो गया, पॉलीथीज्म, बहु ईश्वरवाद। तो थियो से एक और वर्ड आ जाएगा पैंथीज्म, जो कहता है कि हर चीज में ईश्वर है, कणकण में ईश्वर है, उसको क्या बोला जाएगा बताओ, सर्वेश्वरवाद। बताओ क्या है, सर्वेश्वरवाद, वो पैंथीज्म, मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, भगवान को एक साथ आपने देख लिया। एक और क्या है, थियोगमी, ईश्वरीय शादी, थियोगमी। ये देखो एक और होता है थियोक्रेसी, थियोक्रेसी जो भगवान के नाम पर सरकार चलती है, धर्म तंत्र आप कह सकते हो इसको, धर्म तंत्र होता है, कोई गीता को रखकर सरकार शासन चला रहा है, कोई कुरान से चला रहा है, वो थियोक्रेसी और थियोगमी होता है। गमी का मतलब शादी होता है, ईश्वर से शादी होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, बताओ, थियोगमी। एक साथ कितने वर्ड्स है, यही कला आप लोगों को डिवेलप करनी है। थीस्ट, अथीस्ट, एग्नोस्टिक, ब्लेसफेमी, सैक्रिलीज, भगवान को गाली गलोच कर रहा है, बहुत भला बुरा कर रहा है, गलत फहमी हो रही है भगवान के बारे में, वो ब्लेसफेमी है। एक ही ईश्वर में विश्वास रख रहा है, मोनो का मतलब एक होता है, पोली का मतलब कई होता है, पॉलीथीज्म है, पैंथीज्म होता है, सर्वेश्वर, पैन का मतलब बताया था ऑल होता है, थियो का मतलब भगवान है, गेमी का मतलब शादी होता है, थियोक्रेसी आप लोगों ने देखा है, कई प्रकार के वर्ड्स आप लोगों ने देखे, और भगवान के लिए तीन वर्ड आपको बताया था मैंने। बताओ सरकार क्या है, ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, फिर से बताओ जरा क्या है, ओमनीपोटेंट आ गया है। और बताओ क्या है, एक और वर्ड आ गया है ओमनीप्रेजेंट, बोलते जाओ वर्ड क्या है, ओमनीप्रेजेंट आ गया। और एक और वर्ड बताओ क्या है, ओमनीसियंट। ये तीनों वर्ड गजब के हैं, ढंग से समझ लेना है तीनों को। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है बताओ, सर्व शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, ये लो जी सबसे शक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट क्या है, सर्वत्र, जो हर जगह पाया जाता हो। और ये क्या है बताओ, सर्वज्ञ, क्या है बताओ, जो सब कुछ जानने वाला होता हो, वो ओमनीशियंट होता है। ओमनी का मतलब ही सब कुछ होता है, ये सब भगवान के लिए होता है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है, भगवान ही हर जगह पाया जाता है, भगवान ही सब कुछ जानता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको बार बार नहीं कहना कि अपुन विच ही भगवान है, सब कुछ अपनी है, ठीक है, आप खुद भगवान नहीं है, भगवान बनने की कोशिश ना करें। ये तीनों वर्ड भगवान के लिए यूज होता है, गॉड ओमनीपोटेंट, गॉड ओमनीप्रेजेंट, गॉड ओमनीशियंट, कितने सारे वर्ड्स आपके सामने रख दिए हैं मैंने, पुरानी चीजों का रिविजन भी हो गया, एक साथ रखना ही आपको, इस कला को ही डिवेलप करना है। ए पर्सन हु चेंजेस साइड्स,
ये क्या है, टर्न कोट होता है, कोट बदलने वाला। आज बीजेपी का कोट पहन रखा था, कल कांग्रेस का पहन लिया, कांग्रेस वालों ने आज बीजेपी का बोले, दल बदलू प्रकार के होते हैं उनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, टर्न कोट। हमारे इतिहास में जॉन ड्राइडन बहुत ऐसा आदमी माना जाता है, उसको टर्न कोट की संज्ञा दी गई है, कोई भी नया राजा बन जाता था उसी के पास जाके बैठ जाता था, ठीक है, टर्न कोट, ठीक है, कोट बदलने वाला। वन हु इज हैबिचुअल साइलेंट, याद करो, इधर मैंने बताया था टेसी टर्न और एक और वर्ड बताया था रेटिसेंट, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, रेटिसेंट और टेसिटन, जिसका हिंदी होता है मितभाषी। वापस से बोलो जरा, क्या है, मितभाषी है, मितभाषी, ये देखिए मितभाषी, मितभाषी। आगे चलिए, थ्री चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम, उसको किस नाम से जाना जाता है, ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। ये यार आपको बताया तो था, दो बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साथ तो बताओ जरा क्या होंगे, ट्विन्स होंगे। तीन एक साथ हो रहा है तो बताओ जरा क्या होगा, ट्रिपलेट्स हो रहा है। चार हो रहा है तो बताओ क्या बोलेंगे, क्वाड्रुप्लेट्स होगा, क्वाड्रुप्लेट्स हो जाएगा। और बताओ, ट्विन टू प्लेट्स आ जाएगा, जो पांच होता है, बताओ ऐसा बताया था कि नहीं बताया, जल्दी बताओ, पांच बच्चे, तीन बच्चे, दो बच्चे, फटाफट बताओ, जल्दी बोलो, ऐसी बात अपनी हुई थी कि नहीं हुई थी, इनटू प्लेट्स, ईच ऑफ फाइव चिल्ड्रन बोर्न एट वन बर्थ, एक साथ ही होते हैं तो उसको ट्विन टू प्लेट बोला जाता है, ठीक है, ट्विन टू प्लेट, डन डन, ऑल सेट, कितने सारे वर्ड्स एक साथ बता रहा हूं, देखो, अच्छा, अरे क्वीन 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 उल्टा लिख दिया क्या, आई इधर, हाँ, क्वीन टू प्लेट्स, क्वीन टू प्लेट्स, क्वाड्रू प्लेट्स और ट्रिप्लेट्स और ट्विन्स, ऐसा इधर ही रहा, ट्रिप्लेट्स है, ट्विन्स है। आगे देखिएगा जरा जरा वर्ड क्या, अब देखो सीधा ये ऊपर आ गए, दैट विच इज क्लियर, जो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है, अनएम्बिगुअस के नाम से जाना जाता है। दो वर्ड होते हैं, इस वर्ड को तो आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये क्या बोला, एम्बिगुअस ही है ना, क्या है, अनएम्बिगुअस, ठीक है, तो वर्ड को देखो जरा ढंग से, ये रहा वर्ड एम्बिगुअस, और एम्बिगुअस का मतलब ही होता है अस्पष्ट, और एम्बिग्विटी का मतलब जानते हो, अस्पष्टता होता है। कम से कम दो चार वर्ड तो आप इसके जरूर याद रखो, ठीक है, एक तरफ सिनोनिम आ जाएंगे, आज बहुत वर्ड्स आ गए हैं आपके लिए, और दूसरी तरफ मित्रों क्या आ जाएगा बताओ, एंटोनिम्स आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, एक तरफ सिनोनिम आ गया, दूसरी तरफ एंटोनिम आ गया, एम्बिगुअस। आ जाओ सरकार, क्या है मामला, ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट के लिए वर्ड कौन सा आ गया, अनक्लियर आ गया। सबसे अच्छा वर्ड आता है वेग, ठीक है, एक और वर्ड आ जाएगा निबुलस, एक और वर्ड आ जाएगा डाउटफुल, एक और वर्ड आ गया ड्यूबियस, ये लो जी, और जो चीज बिल्कुल क्लियर होती है उसके लिए वर्ड आ गया है अनएम्बिगुअस, बहुत अच्छा वर्ड है, क्लियर, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है, क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, ऐसे कुछ वर्ड्स आप लोगों को देखने, बताओ क्लियर हुआ क्या यहां तक, जल्दी बताइए, अरे भाई गजब का वर्ड है एम्बिगुअस, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है, निबुलस भी एक ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल अस्पष्ट सा दिखाई देता है, किसी के निबुलस कॉन्सेप्ट होते हैं, बताओ क्लियर है, इसके दो वर्ड और लिखना चाहो तो आप देखो, एक इक्वीवोकल लगा लो, इक्वीवोकल, और एक और वर्ड है ऑब्स्क्योर, बस ये दोनों वर्ड तो जरूरी देखना, बताओ कौन कौन से वर्ड्स हैं, अरे बहुत यार जो बताता हूं इंपॉर्टेंट है उसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, एम्बिगुअस, अनक्लियर, एक दिन मैंने वर्ड बताया था वीक, याद करो दो वर्ड, एक तो वेग था, मैंने क्या कहा, गोली इतनी वेग से आती है कि दिखाई नहीं देती है, अस्पष्ट होती है, अस्पष्ट दिखाई देती है, वेग से आने वाली चीज अस्पष्ट हो गई है। एक और वर्ड दिया था वोग, ये वोग क्या था, इस वोग का मतलब हो गया है जो चीज अभी भी क्या है, फैशन में है, ट्रेंड में है, लो, वोग का अपोजिट मैंने आपको बताया था ऑब्सोलीट, याद करो,
ये वाली चीज है प्रचलन में, बोलो जरा क्या है प्रचलन में, जो प्रचलन में है ठीक है, और ये क्या है बताओ, ठीक है प्रचलन से बाहर, प्रचलन से बाहर याद करिए ऐसा बताया था। प्रचलन का मतलब होता है जो चीज अभी किस में है, ट्रेंड में है, और एक और वर्ड बताया जो अभी फैशन में, और ये क्या हो गया बताओ, आउटडेटेड हो गया है, जो अब काम का ही नहीं रहा है। बताओ ऐसे वर्ड्स मैंने दिए थे कि नहीं दिए थे? इन दोनों वर्ड को तो बहुत अच्छे से बताया था मैंने, कहा भाई आप इन वर्ड्स को तो अच्छे से देख लेना, वोग का मतलब और ऑब्सोलीट, और ये वेग वाला आपको बताई दिया है, जो ऐसे तेजी से कोई चीज आ रही है वेग से आ रही है वो हमें दिखाई नहीं देती है, वेग वेग्यू वेग्यू नहीं है ये वेग है। आ जाओ तो बोल जाओ जरा मेरे साथ कौन कौन से वर्ड है, एम्बिगुअस बताओ जरा क्या है, फटाफट बोलो एम्बिगुअस। आप कई बार नहीं बोलते हम दोनों में द्वंद्वता पैदा कर दी, उसने एम्बिग्विटी पैदा कर दी, तो एम्बिग्विटी का मतलब यही होता है ठीक है, जिसका मीनिंग स्पष्ट नहीं, एक एक से दो मीनिंग निकल जाते हैं उसी चीज को क्या बोला जाता है ठीक है। देखो आदमी का जीवन कितना लंबा होगा ये लीवर पर ही डिपेंड करता है, आपका दिमाग खराब हो गया, लीवर लीवर के दो मीनिंग निकल गए, यदि आपकी पेट वाला जो अंदर वाली लीवर है वो खत्म हो गई, यकृत खत्म हो गया तो मर जाओगे, या लीवर होता है लाइफ को लीव करने वाला जीने वाला, तो पता नहीं कि स्पीकर कौन सा लीवर बोलना चाहता है ठीक है, ऐसा आपको देखना है। एम्बिगुअस का मतलब ही होता है कि जो भी किसी भी प्रकार की बात रख दे ठीक है। आगे देखो, और वन वॉइस और वन माइंड, जो एक ही वॉइस और एक ही माइंड में एक साथ करे उसको यूनेनिमस बोला जाता है, कई बार बता दिया है, यूनिटी इसका सिनोनिम लगा सकते हो आप, यूनिटी यूनेनिमस, देखो एक जैसा सा फीलिंग आ रहा है बोले तो एक मत या एक राय, एक मत या एक राय, विशेष ध्यान देना एक मत और एक राय। आगे देखिएगा, वन हु डजंट मिक्स फ्रीली विद अदर्स, जो दूसरों के साथ फ्रीली मिक्स नहीं होता उसको किस नाम से जाना जाता है, अनसोशियबल। आपको पता ही है यदि आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो, किसी से बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो आप क्या हो, अनसोशल हो। एक होता है सोशल और एक क्या होता है अनसोशल, एक सोशल और दूसरा क्या होता है बोलो, अनसोशल होता है, याद रखिएगा इस बात को ठीक है। वन हु डजंट मिक्स फ्रीली विद अदर्स, ये देखो अनसोशल हो गया ठीक है, इतने सारे वर्ड्स आपके सामने एक साथ रख दिए। और ये लो दोस्तों आज हम 300 तक पहुंच जाएंगे, खूब वर्ड दे दिए भाई आज ठीक है। ये देखिएगा 291 से 300 पर आ गए, दैट विच कैन नॉट बी सेंट बाई पोस्ट, जिसको जिसको पोस्ट से नहीं भेजा जा सकता है वो क्या है अनमेलेबल, जिसको मेल किया जा सकता है वो मेलेबल, जिसको मेल नहीं किया जा सकता अनमेलेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड अनअवॉइडेबल, ये बहुत ईजी है, अवॉइड से अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल आ गया ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी सोल्ड, जिसको बेचा नहीं जा सकता सेलेबल है, सेल का स्पेलिंग देखिएगा वैसे, जिसको सेल नहीं किया जा सकता, ये देखो सेल आ गया है, सेल आ गया है, ये वाला सेल नाउन है और ये सेल बेचना है, ये देखो कई सारे वर्ड है, क्यों ना हम इधर देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। एक वर्ड कौन सा आ गया है एस ए एल ई, एक और वर्ड क्या है एस ई डबल एल, एक और वर्ड क्या है एस सी ई डबल एल, और एक और देखो जरा एस ई एल एल भी होता है, ये तो आ गया ना ऊपर ठीक है, ऐसा देखिएगा, और एक और ये वाला शेल होता है, अभी देखते हैं जरा। ऊपर वाला सेल का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सेल लगा है, बिक्री लगी है, ये बिक्री के सेंस में आता है, अभी देखो आपको बड़ा मजा आएगा। इनको कंफ्यूजिंग वर्ड बोलते हैं, सेल 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 और शेल, अच्छे से देखते हैं। आ जाओ सर एक एक वर्ड समझा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो रही है बोलने में, थोड़ी सी समस्या आ रही है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। कौन सा वर्ड देखा हमने, फटाफट देखिएगा, सबसे पहला वर्ड सेल, एस ए एल ई, ढंग से समझिए देखो वर्ड सेल, ये देखो सेल, बिक्री, बिक्री विक्रय वस्तुओं को बेचने, वस्तुओं का बिकना नाउन होता है। द सेल ऑफ एल्कोहल टू एनी अंडर द एज ऑफ 25 इज फॉरबिडन, ठीक है, द सेल ऑफ एल्कोहल, जो एल्कोहल की जो बिक्री है टू एनी वन, किसी को भी जो अंडर 25 है इज फॉरबिडन है। और बताओ सेल के अलावा और क्या है, एक और वर्ड आ गया, ये आपको पता ही है, सेल करना बेचना, ये देखो सेल सोल्ड, सोल्ड होता है ये वर्ब है, वो तो नाउन था बिक्री, ये बेचना है, वी आर गोइंग टू सेल आवर कार, हम हमारी कार को बेचने वाले हैं। और बताओ क्या है सी ई डब्ल, ये सेल आप जानते हो, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, टिश्यू होता है क्या, तो कोशिका, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन इन अवर लिविंग यूनिट इन अवर बॉडी, पशुओं पौधों का लघुतम सजीव अंश, मैंने कहा था ना कि लिविंग सबसे छोटे से छोटा उसको सेल बोला जाता है, जेल या पुलिस थाने में कैदी को रखने की कोठरी को भी सेल ही कहा जाता है ठीक है, कैदी को रखने वाली जो कोठरी होता है जेल बोल दो उसको भी सेल ही कहा जाता है, उसको इतने नंबर सेल में रखा गया। और कौन सा वर्ड था,
ये भी होता है बैटरी के सेल होते हैं, ये भी सेम यही है, बैटरी सेल भी यही होता है, आपको फोटो से पता चल जाएगा बैटरी का सेल कौन सा, ये वाले ये दिखे रहे, ये भी बैटरी के सेल यही है। और कोई वर्ड देखते हैं, एक ये देखो शेल, ये किसी के बाहर का जो आवरण होता है उसको शेल बोला जाता है, अंडे गिरिय का कुछ जीवों का भारी आवरण छिलका कोश उसको कहा, सम चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग शेल्स ऑन द बीच, अब आपको पता चल जाएगा, शंख आदि आपने देखा है, ये देखो ये वाले, ये जो बाहर का हिस्सा होता है ये वाला, इसको शेल आवरण, बाहर का जो आवरण इसको शेल बोला जाता है। इतने अच्छे वर्ड देख लिए, ओके डन भाई डन। बताओ क्लियर है क्या? यही लगा देते हैं इसको, आ जाओ लिखते हैं एक एक वर्ड को। देखो ये वाला सेल, ये सेल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है बेचना। इसी का सेकंड फॉर्म क्या है, सेल सॉल्ड सॉल्ड, और इसका अपोजिट क्या है, सेल का मतलब बेचना, तो बाई का मतलब क्या है, खरीदना। ठीक है आगे चलिए, ये वाला सेल क्या है, पहली बात तो ये नाउन है, इसका कोई एक अर्थ नहीं निकलता। इस वाले सेल का एक मतलब होता है कोशिका, एक होती है जेल, और एक आपने देखा ही होगा बैटरी के सेल, जो बैटरी सेल होते हैं वो भी यही होते हैं। एक शेल और लगा लो आप, ये रहा शेल, इसका मतलब आवरण होता है बाहर का, ये लो जी, वन टू थ्री और फोर, बोलो कैसा लगा? ये वाले शेल है, ये वाले शेल आपको कोई पूछ ले बाहर की, बोलो जल्दी बताइए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। पीछे आइए, तो सेलेबल ये वाला अलग है, ये सेलेबल है, एक क्या चीज होता है बताओ, ये सेलेबल है जिसको बेचा जा सके, और जिसको बेचा नहीं जा सके वो क्या है, अनसेलेबल आ गया। एक साथ लिखिए, कितने गजब के आज की क्लास में सबसे ज्यादा वर्ड हुए। आगे देखिएगा, दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसको क्या नहीं किया जा सकता, टेम नहीं किया जा सकता, शांत नहीं किया जा सकता, वो होता है अनटेमेबल। टेम होता है ना घोड़ा, जैसे मान लीजिएगा एक घोड़ा ऐसा हो रहा है जो बस उछल रहा है कूद रहा है, फिर उसको मालिक क्या कर रहा है, उसको बस टेम कर रहा है, शांत करने को टेम बोला जाता है। ठीक है, T-A-M-E, टेम करना, देखो टेम से ही पता चल जाएगा, टेम घरेलू पालतू पशु पक्षी को, घरेलू या पालतू, न कि जंगली या लोगों से डरने वाला, टेम होता है उबाऊ रोचक। देखो किसी वस्तु को अपने काबू में करना, किसी को पालतू बनाना, टेम करना, तो घोड़े को आप क्या बनाते हो, पहले टेमेबल बनाते हो, तभी तो वो उस पर आप लोग बैठकर सवारी कर सकते हो। जिसको कभी ट्रेन ही नहीं किया तो वो टेम नहीं हो सकता, तो टेमेबल, टेमेबल, टेमेबल आ गया, कैपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग टेम्ड, जिसको टेम किया जा सकता है, टेम से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या है। ओके, अच्छे तरीके से समझना है, गजब का वर्ड है टेमेबल, टेमेबल, दोनों दोनों स्पेलिंग है ऑल्सो, ये भी सही, ऊपर वाला भी सही है, टेमेबल, टेम करना। सम स्पीसीज आर मोर टेमेबल देन अदर्स, ठीक है, दोनों स्पेलिंग सही है। तो टेमेबल का मतलब होता है जिसको क्या किया जा सके, जिसको पालतू बनाया जा सके, तो टेमेबल, और एक होता है अनटेमेबल, ये लो जी टेमेबल, ये वाली स्पेलिंग भी ठीक है, और ई टी ए एन ई लगा रहे हो तो भी ठीक है। आगे देखिएगा, विदाउट एन इक्वल, जिसके इक्वल को यही नहीं, वो यूनिक होता है, अनोखा, अनोखा तभी तो होगा जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं।
ठीक है, आगे देखिएगा, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसको समझा नहीं जा सके, अनइंटेलिजिबल, अति महत्वपूर्ण वर्ड है भाई, बार बार एग्जाम में पढ़ाया, अनइंटेलिजिबल, इसको इंटेलिजेंट से मतलब नहीं है, जो आपकी समझ से दूर होता है, जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको अनइंटेलिजिबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बोलो फटाफट से, अनइंटेलिजिबल बोला जाएगा। ए थिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर, एक ऐसी चीज जिसको हर जगह पाया जाता है, वो यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होता है। फूड दैट डज नॉट प्रमोट हेल्थ, एक ऐसा फूड जो हेल्थ को प्रमोट नहीं करता, अनहोलसम होता है। पता है ना, होलसम का मतलब ऐसा फूड जो बैलेंस टाइप होता है, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो होलसम फूड होता है, जिसमें सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो भी इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको होलसम फूड कहा जाता है। ठीक है, जैसे मिल्क को होलसम में काउंट किया जाता है, दूध पीकर भी आदमी अच्छे से जिंदा रह सकता है, होलसम फूड में आता है। अनहोलसम, जैसे मान लीजिएगा आपने जलेबी खा लिया, क्या है उसमें, मैदा है, ठीक है, ऊपर से आपने उसको तेल में तल लिया, वो भी किसी काम का नहीं है, मैदा भी किसी काम की नहीं है। फिर रही कई कसर, आपने शुगर सिरप बना लिया, चाशनी बना लिया, चाशनी में डुबो दिया, डिप कर दिया, और फिर उसको खा रहे हैं, तो चीनी भी खा रहे हैं, मैदा भी खा रहे हैं, तेल भी खा रहे हैं, किसी काम का नहीं है, वो क्या है, अनहोलसम फूड में आ गए। समोसा खा लिया, कचौरी खा लिया, ठीक है, लड़कियां खाती रहती है, फास्ट फूड के पीछे लगी रहती है, स्वीट्स खा लिया, जैसे गुलाब जामुन खाएंगे हम तो, गुलाब जामुन क्या पड़ा है, गुलाब जामुन में क्या है, गुलाब जामुन में, लेकिन है कुछ ऐसे प्राणी, नहीं नहीं हमें तो गुलाब जामुन चाहिए, मोटे वाले चाहिए, नहीं कोई कह रहा नहीं, हमें तो ब्लैक वाले गुलाब जामुन ही चाहिए, कौन समझा इनको, है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए भाई, खुद का भी स्वास्थ्य है, आप खुद भी खाते हैं, फिर उसके चक्कर चक्कर में दूसरा भी खाने लग जाता है, पैसा भी गया, हेल्थ भी गया, पहले पैसा देकर सामान खरीदा, उसको खाने से अपनी हेल्थ गई, फिर वापस से पैसा लगाओ और हेल्थ को सुधारो, ठीक है ना। आगे देखिएगा, सडनली रीजन फ्रॉम लो पोजिशन टू हाई पोजिशन, अचानक से नीचे से ऊपर उठा, उसको अपस्टार्ट बोला जाता है, अपस्टार्ट अचानक से ऊपर बढ़ा है। और दैट द एक्ट डन बाई वन फ्री विल, जो अपने खुद की इच्छा से किया जाता है, उसको वॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, एक होता है एक वॉलेंट्री है, दूसरा क्या बोला जाता है, इन वॉलेंट्री एक्शन होता है। जैसे इसको आप क्या बोलने वाले बताओ, ऐच्छिक कार्य, अपनी इच्छा से किया गया कार्य, और इनवॉलेंट्री होता है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया या कार्य, जैसे छींक है वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री अचानक से आ गया। अवॉइड सुगर, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है भैया, मन सुगर को अवॉइड करें, ठीक है, और सुगर से गड़बड़ गया, सुगर सिरप, चाशनी को सुगर सिरप बोला जाता है, ठीक है। यहीं से तो एक और वर्ड क्या बना है, वॉलंटियर क्या होता रे, स्वयं स्वयं सेवक, जो अपनी इच्छा से सेवा करते हैं, उसको वॉलेंटियर बोला जाता है। कई बार नहीं बोलते हो, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हो, वहां आपको कोई पानी पिला रहे हैं, कोई पौधों में पानी दे रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको वॉलेंटियर बोला जाता है। उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, अपनी इच्छा से कर रहा है, ओके बताओ डन है क्या, क्लियर है क्या, यहां तक बहुत अच्छी क्लास गई है आज की क्लास। तो देखो दोस्तों, जो लास्ट तक बना रहा उसके लिए कितनी शानदार चीजें आप लोगों ने देखी है, आप लोगों के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। आज हमने दोस्तों यहां से जानने की कोशिश करी, हमने 281 से शुरुआत किया, बोलते जाओ फटाफट, टोबैको से क्या बना है, टोबैकोनिस्ट, जो टोबैको बेचता है, ठीक है, आगे क्या है, टी टॉटलर, जो कभी शराब आदि नहीं पीता है, थीस्ट और एथिस्ट बता दिया, टर्न कोट आ गया, टेसिटन, ट्रिपलेट्स, ट्विन्स, अनएम्बिगुअस और एम्बिगुअस जैसे वर्ड बताए थे, यूनैनिमस और अनशोषेबल आ गया, यहां पर आ जाइए, वर्ड क्या है, एम्बिगुअस, गजब का वर्ड है, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं,
इसका मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, अस्पष्ट, ये गजब का वर्ड है, जरूर याद करिए जाना। वेग का मतलब ये स्पष्ट है, निबुलस है, डाउटफुल है, ड्यूबियस है, इक्विवोकल है, ऑब्स्क्योर है, गजब का वर्ड है, ठीक है। और इधर देखिएगा सरकार क्या है, अनएम्बिगुअस है, क्लियर है। एक और वर्ड क्या आ गया, डिस्टिंक्ट आ गया है। आगे चलिए जरा क्या है, वेग का मतलब स्पष्ट है, वोग आ गया, ठीक है। ट्रेंड और फैशन आ गया, आउटडेटेड आ गया, ऐसे वर्ड देखें। ट्विन्स देख लिया, ट्रिपलेट्स देखा है, ठीक है, और ट्विन टू प्लेट्स आ गया, ऐसे वर्ड्स आपने देखे। थीस्ट, एथीस्ट और एग्नोस्टिक देख लिया है, ठीक है। आस्तिक, नास्तिक और अज्ञेयवादी। ब्लेस्फेमी और एक और वर्ड आ गया, सैक्रिलीज आ गया है, पवित्र वस्तु दूषण, ठीक है। और बताओ सरकार क्या है, मोनोथीज्म एकेश्वरवाद, पॉलीथीज्म बहु ईश्वरवाद, जैसे वर्ड आ गए। ओमनीपोटेंट, पोटेंट नहीं ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनीसियंट जैसे वर्ड आ गए। पेंथीज्म आ गया, थियोगमी आ गया, ठीक है, और थियोक्रेसी आ गया है। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रेस्ट्रेन फ्रॉम, जरूर याद रखना, सबके साथ फ्रॉम है, डिवार फ्रॉम है, एक्सोनरेट फ्रॉम है। अब मेरा केस हो गया सोल, पहले औ एफ अव लगाओ, अब्सॉल्व अव या अब्सॉल्व फ्रॉम, ठीक है, पाप मुक्त करना, बरी करना, इस प्रकार का वर्ड आ गया है। यस सर, आज बहुत कुछ नया सीखा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, चंचल ने बहुत अच्छी बात बोली है, ठीक है। आगे चलिए, लगातार आओगे तो जरूर, ठीक है। एस्क्यू करना, एस्क्यू का मतलब ही किसी चीज को डेलिबरेटली आप क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। ये एब्सटेन, रिफ्रेन, इनके पर्यायवाची देखो, ही अपील टू दी क्राउड, क्राउड से उसने अपील की, टू एस्क्यू क्या करना, वॉयलेंस की, वॉयलेंस को एस्क्यू करिए, इस प्रकार का वर्ड आ गया, ठीक है। टोबैको का मतलब तंबाकू होता है, तंबाकू बेचने वाला टोबैकनिस्ट होता है। वाइन और एल्कोहल का मतलब शराब होता है, शराब पीने वाला वाइन बीबर ड्रंकर्ड और एल्कोहल लीक होता है, जिसको आप बेवड़ा या शराबी बोलते हैं। स्मोकिंग होता है धूम्रपान, और धूम्रपान करने वाला स्मोकर होता है, बहुत ज्यादा पीने वाला चेन स्मोकर होता है। टी टोटलर होता है, मद्यपान निषेध बोले तो, कोई कुछ भी जैसे टोटल चाय पानी पीता है, कोई भी नशा पता नहीं करता है, उसको टी टोटलर बोला जाता है। आगे चलिए मित्रों, ठीक है। ब्रूवरी होता है जहां पर शराब बनाई, बियर बनाई जाती है, और जहां पर दारू बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, उसको डिस्टलरी बोला जाता है। आगे चलिए, ये वाले कुछ वर्ड्स आ गए, ठीक है, जिसको मेल नहीं किया जा सकता, अनमेलेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनअवॉइडेबल आ गया, जिसको सेल नहीं किया जा सकता, अनसेलेबल, जिसको टेम नहीं किया जा सकता, अनटेनेबल, जो इक्वली नहीं है, विदाउट एन इक्वल, उसको यूनिक बोला जाता है, जिसको समझा नहीं जा सकता, अनइंटेलिजिबल आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, ए थिंग दैट इज फाउंड एवरीवेयर, यूनिवर्सल आ गया, और देखो क्या है, दैट डज नॉट प्रमोट हेल्थ, उसको अनहोलसम आ गया, और बताओ क्या, सडनली रीजन फ्रॉम लो पोजिशन टू हाई, उसको आप स्टार्ट, और दैट द एक्ट डन बाई वंस फ्री विल, जो अपनी इच्छा से करता है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, वॉलेंट्री बोला जाएगा। और यहीं पर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जैसी चीजें आ गई है, ये गजब का वर्ड आ गया, सेल, एक तो सेल है, सेल है, सेल है, और शेल है, ठीक है। इस प्रकार से वर्ड्स आपको डिफरेंस बताएं। बताओ आज का सेशन कैसा लगा, जल्दी बताइए, क्या क्लासेस को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए मित्रों, जल्दी बताओ कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा, बढ़िया लगा, यस सर आज, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी भी किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसने अभी तक भी कोर्स बाई नहीं किया है, चाहे आप एलडीसी के लिए कर रहे हो, सीटी, एसएससी, डी ट्रिपल एसपी, स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर, ये देखिएगा गजब का कोर्स, जो हमारा सबसे लाजवाब कोर्स है। आप एक बार इस कोर्स को लेकर मुझे आप रिव्यू दीजिए, बताइए, आप खुद कहोगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की ग्रामर, जिसमें हर प्रकार की चीज़ है, एक बार पढ़िए, और हर प्रकार के टॉपिक के इतने लाजवाब कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, आप खुद कहोगे कि सर वास्तव में मजा आ रहा है, ठीक है। अभी से ले लेंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस के ऊपर। देखो क्वालिटी चाहिए तो आप लोगों को यहां से परचेज करना चाहिए, और आपको 100 रुपये 50 रुपये वाला कोर्स चाहिए ले लीजिएगा, अल्टीमेटली आना तो यहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रखिए इस बात को। बाकी चॉइस इज योर्स, कि आप क्या करते हैं, किस हिसाब से क्या रहता है, बताओ सर, ऑल सेट, रेडी, क्लियर, शेयर जरूर किया करो। आज देखो इतना ज्यादा पेन हो रहा था बोलने में, मेरे बोलने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, पिंटू सिंह कह रहे हैं एक्सीलेंट, नोज पर भयंकर वाला, टेबलेट भी अभी लेकर ही आया था, ठीक है, मैंने सोचा टेबलेट भी लेंगे, लेकिन पढ़ाना जरूरी था, सरदर्द भी हो रहा है, चलो ठीक है ले लिया। यही चीज आपको कमिटमेंट दिखाना, कभी सरदर्द होगा, कभी मैच देखने का मन करेगा, कभी मूवी देखने का मन करेगा, एक बार छोड़ छाड़ के लग जाओ यार, ठीक है। नौकरी कोई छोटी बड़ी कुछ नहीं होती है, शांति से जीवन यापन करिए, ढंग से कमाइए, मस्त रहिए, ठीक है, बिल्कुल। हाँ सर आप कहाँ हो बेटा, मैं आजकल अजमेर हूँ भाई,
अजमेर पोस्टिंग हो रखा है अभी, ठीक है। हाँ इस प्रकार से लगे रहिए, तो आप कंटिन्यूटी के साथ आज जो 9 o'clock वाला जो ग्रामर का जो कोर्स होता है, वो आपका जो क्लास होता है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। ड्यू टू मैं ये कह सकता हूं कि एलमेंट बीमारी बोल दो, या ड्यू टू सीवियर पेन, सीवियर पेन होने के कारण, ठीक है। हाँ कंटिन्यूटी के साथ लगे रहा करो चीजों के साथ। वन वर्ड को देखो, एक से शुरू किया, 300 यहां पहुंचा दिया, 300 नहीं है, 500 प्लस वर्ड मैंने करवा दिए। जो बच्चा पहले दिन मेरे साथ लगा हुआ था, आज उसके 300 कंप्लीट हो गए, ए टू जेड लगभग कंप्लीट हो रहा है। जो मेरे साथ जुड़ा ही नहीं, उसका तो मैं क्या करूं बताओ। चलिए तो फिर आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। और फिर मैं तो यही बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, अभी मौका है, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, चुनावी माहौल है, सब लोग चुनाव चुनाव कर रहे हैं, आप तब तक निपटा दो कोर्स को। और कोर्सेज सब शुरू हो गए हैं, इंग्लिश आपने मेरे से पहले पढ़ी भी है, बिना नियमों के पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पढ़ना चाहते हो, तो स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म ई लर्निंग स्टडी अड्डा पर। किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो फॉर दैट यू कैन जस्ट कॉल अस एट, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एट 9509209137, ठीक है। तो आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों, और आप सभी को हिंदी नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, और आने वाले ईद का जो है पर्व, उसकी भी आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। कंटिन्यू लगे रहिए, और मैं अक्सर कहता हूं कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। और कहा भी जाता है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। आप घर से निकल चुके हैं, डेली शाम को यहां आ जाते हैं, आपका भला लेटर और सुनर जरूर होने वाला है। इन्हीं कुछ चंद लाइंस के साथ, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड डोंट लेट द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड गेट यू डाउन। हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें, और संसार की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जय हिंद दोस्तों, इंतजार कर रहा है आपका अपना प्लेटफॉर्म ई लर्निंग स्टडी अड्डा। किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए तुरंत जुड़ जाइए, कल 4 से 5 घंटा आपकी एप्लीकेशन पर क्लास होगी। जय हिंद, गुड नाइट।